हेलो दोस्तों, रोस्टेड करी में आपका स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं पनीर बटर मसाला। जिस देश के हर शहर की कोई ना कोई रेसिपी मशहूर है, वही पनीर बटर मसाला इंडिया के हर रेस्टोरेंट में लिस्ट हो चुका है। टमाटर के खट्टे मीठे स्वाद के साथ बटर और क्रीम का फ्लेवर इस रेसिपी को बनाता है और भी लजीज। तो आइए इस लजीज जायके को बनाते हैं अपने किचन में अपने स्टाइल में। तो इसके लिए सबसे पहले लेंगे हम लाल लाल टमाटर लगभग 8 से 9, और साथ में लेंगे 3 प्याज, अदरक, हरी मिर्ची और साथ में 8 से 9 लहसुन की कलियां। लहसुन को हम चॉप करके भी यूज़ करेंगे, और साथ में लिए हम धनिया की डंडियां और तेज पत्ता और कुछ मसाले। तो सबसे पहले टमाटर को हम रफली काट लेते हैं। तो एक टमाटर के 4 से 6 टुकड़े कर लेंगे। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। टमाटर की क्वांटिटी के हिसाब से हम 1/3 जो है वो प्याज लेंगे, और प्याज को भी रफली कट कर लेंगे। सो बहुत बारीक नहीं करना, क्योंकि हमें इसे बॉईल करना है। और रफली प्याज को कट करने के बाद अब एक पैन में लेंगे ऑयल, और साथ में डालेंगे 1 क्यूब बटर ताकि बटर जले ना। और अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा, दालचीनी, हरी इलायची, 2 मोटी इलायची और साथ में 4 से 5 लौंग और 2 पत्ते तेज पत्ता। और प्याज को डाल के थोड़ी देर तक चलाएंगे। जैसे ही प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो, इसमें डालेंगे लहसुन की कलियां, 9 कलियां हमने ली हैं, और साथ में अदरक के टुकड़े और 2 हरी मिर्ची। और अब डालेंगे टमाटर। तो इस ग्रेवी में हम रेशियो को याद रखेंगे, जितने प्याज लेंगे उसके 3 गुना टमाटर और लगभग 6 गुना काजू। हमने 18 पीस काजू के लिए हैं। और अब डाला है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। साथ में डालेंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और थोड़ा सा डालेंगे पानी, और पानी डाल के इसको कर देंगे हम कवर लिड से, और 15-20 मिनट तक इसको पकने देंगे। जैसे ही प्याज टमाटर सब सॉफ्ट हो जाए ठंडा होने पे, फिर इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो मसाले को पीसने से पहले हम मोटी इलायची और तेज पत्ता बाहर निकाल लेंगे। मोटी इलायची से मसाले का रंग थोड़ा काला हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसे बाहर निकाल लिया है। तब इसे अच्छे से पीस लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी भी डालेंगे, और एक अच्छा थिक जो पेस्ट है वो बन जाएगा, बड़ा ही अच्छा ऑरेंज कलर आएगा। और अब उसी पैन में 1 चम्मच ऑयल लेंगे और 2 क्यूब बटर के। और जैसे ही बटर थोड़ा गर्म हो, अब डालेंगे इसमें कटा हुआ लहसुन और 1/2 चम्मच अदरक कटा हुआ, और थोड़ी सी हरी मिर्ची स्वाद के लिए। कलर के लिए डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और अब इसमें पेस्ट डाल देंगे जो हमने टमाटर और प्याज की और काजू के साथ जो पेस्ट बनाई है, और इसको अच्छे से पकाएंगे। तो देखिए पैन में से कैसे बॉयल आ रहा है, और कलर तो लाजवाब है। और इस ग्रेवी को अब ढक कर हम पकाएंगे 15 से 20 मिनट। तो देखिए कंसिस्टेंसी कैसी बढ़िया आ रही है। तो अब ढक के पकाते हैं। तो अब पनीर को कर लेते हैं शैलो फ्राई। और उसके लिए सबसे पहले नमक, लाल मिर्ची और काली मिर्ची को हम पनीर के ऊपर लगाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक बहुत अच्छा सा टेस्ट और कलर आए। और अब एक पैन में लेंगे थोड़ा सा तेल और पनीर के क्यूब्स को डाल देंगे, और इसको दोनों तरफ से अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे। बढ़िया सा कलर आने के बाद इसको निकाल लेंगे। जी हाँ, बहुत बढ़िया कलर आ गया, और ग्रेवी भी हमारी तैयार हो रही है। देखिए बढ़िया सा कलर। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा हनी ताकि जो टमाटर का खट्टा मीठा टेस्ट है वो एक बैलेंस हो जाए और सारे मसाले मिक्स हो जाए। थोड़ी सी कसूरी मेथी और सारे पनीर के पीसेस इसमें डाल देंगे। ऊपर से डालेंगे धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। सारे मसाले मिक्स करेंगे, थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, और फिर डालेंगे
फ्रेश क्रीम। तो तैयार है हमारा पनीर बटर मसाला, बड़ी ही क्विक रेसिपी है और बड़ी ही लाजवाब। तो आइए सर्व कर लेते हैं। तो देखा आपने रेसिपी में टमाटर का खट्टा मीठा स्वाद, और बैलेंस कर लिया हमने हनी से, और बटरी टेस्ट क्रीम का इस्तेमाल कर लिया। बन गई हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला। तो आप भी बनाइए और खिलाइए अपने मेहमानों को। वीडियो को करिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बने रहिए, धन्यवाद।